हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है एडेप्टेशंस, लीव्स ऑफ एडेप्टेशंस। इसका सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शन, एडेप्टेशंस ऑफ इन्वायरमेंट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड मार्फोलॉजिकल फंक्शनल्स लेवल, मॉलिक्यूल एंड जीनोम, केमिकल लेवल और रेफरेंस बुक्स। इसका इंट्रोडक्शन से है, पर्यावरण का सुस्पष्ट स्तर पर अर्थ होता है वह आवास, गहरा समुद्र, उष्ण कटिबंधी वन, एक गर्म मरुस्थल तथा फिर वह आवास जिसमें प्राणी निवास करते हैं। सेकंड है एडेप्टेशंस ऑफ इन्वायरमेंट्स लेवल। यदि हम किसी भी स्तर पर पर्यावरण के बारे में विचार करें, वह तीन प्रमुख परस्पर परिभाषाओं में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, पर्यावरण अत्यधिक रूप से तनाव के संबंध में अधिक परिवर्तनीय है, जिसमें कि वह अपने रहवासियों को प्रभावित करता है। सेकंड है मैग्नीट्यूड एंड टाइम स्केल्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। सभी प्रकार की समयावधि में सजीव जीवों से संबंधित पर्यावरण अधिक स्थिर हो सकता है। शायद इसका श्रेष्ठ उदाहरण गहरा समुद्र है। अगला है एनर्जी और रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी। प्राणियों को ऊर्जा असामान्य रूप से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होती है, लेकिन कुछ आवासों की अपेक्षा अन्य आवास में निश्चित रूप से अधिक सुलभता से प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट है फंक्शनल्स लेवल एविडेंस कन्फॉर्मेटिंग एंड रेगुलेटिंग। जब एक प्राणी वातावरण में परिवर्तन का सामना करना है, सामान्यतः वह निम्न तीन ब्रांचेस में से निवारण, समानुरूपता एवं नियमन किसी एक के साथ प्रतिक्रिया करता है। फोर्थ पॉइंट है बिहेवियर फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री एंड मार्फोलॉजिकल फंक्शनल लेवल। चार दीर्घ या प्रमुख विभिन्न लेकिन पारस्परिक प्रभावशील कार्यात्मक स्तर जिस पर निवारण, समानुरूपता या नियमन दृश्य रूपी लक्षणों के चार उप विभागों के समान प्रभावित हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है एविडेंस। प्रारंभिक रूप से यह एक गुण होता है जो कि व्यवहार के द्वारा दर्शाया जाता है। एक छोटे प्राणी के लिए यह एक उपयुक्त आवास को ढूंढने के लिए अंतर्निहित होता है। अगला है कन्फॉर्मिंग। अधिकांश कारकी एवं जैव रासायनिक स्तर पर परिवर्तन से संबंधित होता है। रेगुलेटिंग तुलनात्मक दृष्टि में नियामकों को इस स्तर पर प्रचुर एवं बहुमूल्य परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है। फिफ्थ है मॉलिक्यूल एंड जीनोम बायोकेमिकल लेवल। किसी भी जीव का मॉलिक्यूल संगठन अधिक जटिल होता है। इसकी जटिलता इस तथ्य से और संयोजित हो जाती है कि कोई भी प्राणी जातियों की मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर समान हो।